टेलबोन पेन के लिए हम यहाँ पे कुछ योगासन देखेंगे। उसमें फर्स्ट योगासन है भुजंगासन। इसमें दोनों हाथ कंधे के नीचे रखने हैं, दोनों हाथों के बल प्रेशर देके कोहनी सीधी करने की कोशिश करनी है और पूरा ऊपर उठना है। इससे पूरे रीढ़ के हड्डी के फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। इससे ये आसन लगभग 10 से 20 सेकंड तक रुकना है, फिर रिलैक्स छोड़ना है। इसमें दूसरा आसन है अर्ध शलभासन। दोनों हाथ दोनों थाइस के इधर रखने हैं। अभी एक ही पैर को सीधा ऊपर उठाना है बिना घुटने में मोड़े, लगभग 1 फीट लेवल तक ऊपर उठाना है। 10 गिनने तक इस पोजीशन में रुकना है, जहाँ तक आपको कंफर्टेबल लगे उसी लेवल तक लेके जाना है। इसी तरह दूसरा पैर भी उठाना है, घुटना सीधा रखना है, धीरे से छोड़ना है आसन को। यह हुआ अर्धशल्भासन। तीसरा आसन है जिसका नाम है धनुरासन। दोनों पैर घुटने से मोड़ने हैं, दोनों हाथों से दोनों एंकल पकड़ने हैं और पीछे खींच के गर्दन और कंधे ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। इस पोजीशन में लगभग 10 सेकंड तक रुकना है, धीरे से नीचे छोड़ना है। ये आसन में शरीर का आकार धनुष की तरह होता है, इसीलिए उसको धनुरासन बोलते हैं, और इससे टेलबोन के एरिया के जो भी मांसपेशी है उनकी ताकत बढ़ जाती है। आखिरी आसन है जिसमें जिसको बोलते हैं पवन मुक्तासन। पीठ के बल सोके दोनों पैरों को फोल्ड करना है, दोनों घुटने पेट के नज़दीक लाने हैं इसमें, और दोनों हाथों से घुटने के ऊपर पकड़ना है और ये पोजीशन को पकड़ के रखना है। इसमें पूरे रीढ़ के हड्डी से लेके मंकी बोन जिसको टेल बोन बोलते हैं वहाँ तक स्ट्रेच मिलता है। ये सारे मांसपेशियों में जो स्पाज़म होता है वो कम होता है इससे।